Hello friends, today our topic is pneumatic comparator, which comes under the unit number 2 standards and comparator of engineering metrology subjects. Let's begin for today's topic. Before proceeding today's topic, just take a look of previous lecture. In previous lecture, we studied about select relevant comparator for given tasks with justification, explain principle of inductance, explain construction working and principle of availability, state advantage, disadvantage and applications of illustrative or electrical comparator. So, let's today's learning outcome. Students are able to select relevant comparator for given tasks with justification. This is the parts of pneumatic comparators, explain construction working and principle of pneumatic comparators, state advantages, disadvantages and applications of pneumatic comparator. So program outcome is same as likewise PO1, PO2, PO3, PO4 and PO8, PO9, 10, PSO2 and PSO3. All these POs are satisfied with this topic. Let's move ahead. न्यूमैटिक कंपैरेटर, तो देखिए ये जो डायग्राम है ये न्यूमैटिक कंपैरेटर का डायग्राम है। इसमें सबसे पहला जो पार्ट है हमारा ये है कंप्रेसर। ये हार्ट है न्यूमैटिक कंपैरेटर का। कंप्रेसर का काम होता है ये एटमॉस्फेरिक एयर को सक करके उसको कंप्रेस करता है। कंप्रेस करता है मतलब उसका प्रेशर बढ़ाता है और उसको इस टैंक के अंदर स्टोर करके रखता है, और जब भी हमें आगे रिक्वायरमेंट होती है तब हम लोग इसको कंप्रेसर के थ्रू आगे भेजते हैं। उसके बाद सेकेंड पार्ट जो रहेगा वो रहेगा फिल्टर। फिल्टर का काम रहेगा कि कंप्रेसर से आने वाली जो एयर है ये आती है एटमोसफियर से। एटमॉस्फेरिक एयर में डस्ट पार्टिकल, डर्ट पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल्स, कचरा वगैरह ये सब रहता है, तो उन सबको रिमूव करने का काम करता है फिल्टर। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एयर दो डायरेक्शन में मूव हो रही है। एक डायरेक्शन इस टैंक के अंदर जा रहा है हवा का और दूसरा ओरिफिस के थ्रू आगे बढ़ रहा है। ये ओरिफिस मतलब ये पैसेज रिस्ट्रिक्शन करता है, ये एयर को रिस्ट्रिक्ट करता है आगे बढ़ने से। तो मैक्सिमम एयर क्या होती है इस ट्यूब से अंदर जाती है और इस ट्यूब में वाटर है, इसमें वो एयर बबल्स के फॉर्म में बाहर निकल जाती है और बाकी बची हुई एयर फिर ओरिफिस मीटर से आगे बढ़ती है। तो इसका बेसिक पर्पज ये होता है कि वो एयर को बैलेंस कर लेते हैं दोनों। तो और आगे बढ़ेंगे तो देखिए क्या होता है कि यहाँ से ये गेजिंग हेड है, ये जो पोर्शन है इसको गेजिंग हेड कहा जाता है, और ये जो पार्ट है ये वर्कपीस या स्टैंडर्ड इसको कहा जाता है। तो वर्कपीस बाद में रखा जाता है, पहले स्टैंडर्ड रखा जाता है। तो देखिए ये वर्क कैसे करता है, तो सबसे सिंपल कंसेप्ट है इसका बहुत ही, तो ये मैनोमीटर के प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है। तो सबसे पहले क्या होगा, कंप्रेसर से कंप्रेस्ड एयर फिल्टर कंप्रेस होकर आएगी वो फिल्टर के अंदर। फिल्टर का काम रहेगा उस एयर को क्लीन करना और क्लीन एयर को आगे भेजना। आगे जाके वो एयर के दो पैसेज बन जाएंगे, कुछ एयर ओरिफिस के थ्रू बाहर जाएगा आगे बढ़ेगा और कुछ बचा हुआ एयर इस ट्यूब के थ्रू इस वाटर के टैंक के अंदर आएगा और यहाँ पे एयर बबल्स के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। सो अब होगा क्या कि ओरिफिस से निकलने वाला जो एयर है वो फ्रीली आएगा यहाँ तक गेजिंग हेड से। यहाँ से होल्स रहेंगे इसमें, ये होल से ये एयर फ्रीली बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, क्या होगा ये एयर होल से फ्रीली बाहर निकल जाएगा। कुछ समय तक ये दोनों का भी लेवल सेम रहेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इधर प्रेशर कुछ अलग रहेगा, यहाँ पे प्रेशर कुछ अलग रहेगा। हमारा बेसिक काम है इन दोनों लेवल्स को, ये जो दिख रहा है ना लेवल का लाइन, इस लाइन को मतलब टैंक का लाइन को और इस ट्यूब के लाइन को एक लेवल पे लेके। तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए, सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड यूज करने की वजह से क्या होगा कि ये जो देखिए यहाँ पे जो गैप दिख रहा है ना, ये गैप एक अगर स्टैंडर्ड मतलब क्या रहेगा, वो एक्यूरेट पीस रहेगा। और ये जो गेजिंग हेड रहता है ये हर एक डायमेंशन के हिसाब से अलग अलग हमको मैन्युफैक्चर करना होता है और फिर यहाँ पे यूज करना होता है। जैसे 5 mm का अगर कोई हमारा इंटरनल डायमेंशन चेक करना है तो हमको ये उसके अकॉर्डिंग ये गेज लेना, गेजिंग हेड लेना पड़ेगा। 10 mm का लेना है तो उसके अकॉर्डिंग ये गेजिंग हेड लेना पड़ेगा। जो भी
डायमेंशन चेक करना है, उसके अकॉर्डिंग ये गेजिंग हेड अपने को चेंज करना होगा। देखिए फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं एक 10 mm का, फॉर एग्जांपल मैं नंबर बोलता हूँ कि 10 mm का एक सर्कुलर जॉब है जिसको हमको चेक करना है, तो हम लोग क्या करेंगे 10 mm का ही स्टैंडर्ड पीस पहले लेंगे। 10 mm का स्टैंडर्ड पीस रहेगा, इंटरनल उसमें होल रहेगा, उसमें हम लोग एक गेजिंग हेड को ऐड करेंगे। अभी तक देखिए गेजिंग हेड ऐड करने के पहले तक दोनों साइड का प्रेशर, मतलब बोरी पीस के इस साइड का प्रेशर और इस साइड का प्रेशर दोनों भी डिफरेंट थे, उस वजह से ये दोनों का लेवल चेंज आ रहा था। ठीक है, तो हमारा पहला पर्पज रहेगा कि हमको 10 mm का यहाँ पे स्टैंडर्ड रखना है। जब ये गेजिंग हेड उसके अंदर हम इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा कि अभी तक जो यहाँ से एयर बाहर निकल रहा था वो अभी रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएगा, मतलब वो आराम से बाहर निकल नहीं पाएगा। अगर यहाँ से हवा अगर बाहर नहीं निकल पा रही तो क्या होगी, वो हवा पीछे बढ़ते हुए जाएगी, क्योंकि इधर से तो कॉन्स्टेंट फ्लो आते जा रहे हैं और इधर से ये हवा का प्रेशर और बढ़ता जाएगा। तो उससे क्या होगा कि ये सबसे पहले तो क्या होगा कि प्रेशर इधर ज्यादा रहेगा और इधर कम रहेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए रिस्ट्रिक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट होने के बाद अगर हवा का निकलती है तो उसका ऑब्वियस है प्रेशर कम रहेगा, और यहाँ पे जगह छोटी है, अमाउंट ऑफ एयर ज्यादा है, जिस वजह से यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन और ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा रहेगा। प्रेशर ज्यादा होने की वजह से इसका लेवल अलग रहेगा, इसका लेवल अलग रहेगा। अब क्या हो रहा है कि जब हम लोगों ने यहाँ पे स्टैंडर्ड फिट किया, स्टैंडर्ड फिट करने की वजह से जो यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट जो एयर आसानी से बाहर निकलती जा रही तो वो अभी रिस्ट्रिक्ट हो रही है। अब ये रिस्ट्रिक्ट हो रही मतलब हवा बाहर नहीं निकल पा रही, और इस वजह से क्या होगा यहाँ पे जो पीछे से एयर आ रही है वो आते तो जाएगी लेकिन वो बाहर नहीं निकल रही है, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ते हुए जाएगा। अब प्रेशर बढ़ते हुए जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ऑलरेडी हाई प्रेशर है, यहाँ पे पहले कम प्रेशर था लेकिन अभी रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर बढ़ते जा रहा है। अब प्रेशर बढ़ने की वजह से एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हमारा इधर का ओरिफिस के इधर का प्रेशर और ओरिफिस के इधर का प्रेशर दोनों भी सेम होगा, और उस समय ये जो दोनों का लेवल है ये लेवल सेम आ जाएगा। उस समय हम लोग बोलेंगे कि हमारा वर्क पीस अभी मेजरमेंट करने के लिए सेट हो गया। फिर हमारा काम रहेगा यहाँ से स्टैंडर्ड को हटाओ और फिर वर्क पीस को लेके आओ। अब वर्क पीस लेके आएंगे दोस्तों, तो वर्क पीस लेके आने के बाद क्या होगा कि ये जो प्रेशर क्रिएट हुआ था वो किस वजह से हुआ था कि ये जो इंटरनल गैप था ये थ्रू आउट सेम था, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अभी वर्क पीस चेक करना है, ये गैप ही चेक करना है, तो क्या होता है कुछ वर्क पीस ऐसा ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो गैप ज्यादा कम ज्यादा हो सकती है। अभी गैप कम ज्यादा होगी तो इससे क्या होगा जो बैक प्रेशर क्रिएट हो रहा था अभी तक, ये बैक प्रेशर जो क्रिएट हो रहा है वो चेंज हो जाएगा। अब चेंज हो जाएगा तो इन दोनों का लेवल जो सेम आया था वो लेवल चेंज होके हमको नया लेवल मिलेगा डेल्टा एच, और इस डेल्टा एच को हम लोग कैलिब्रेट करेंगे डायमेंशन के अंदर। मतलब फॉर एग्जाम्पल समझिए कि यहाँ पे 1 micron है, तो ये दिखा रहा है समझो 1 mm, तो 1 mm दिखा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारे वेरिएशन कितने का मिल रहा है 1 micron का। अगर 2 micron का है तो ये 2 mm दिखा रहा है, समझ में है ना। आगे बढ़े फिर न्यूमेटिक कंपैरेटर और एयर गेजेस यूटिलाइज द न्यूमेटिक सर्किट टू मेजर लीनियर डायमेंशन ऑफ द कंपोनेंट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पार्ट्स ऑफ न्यूमेटिक कंपैरेटर जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, कंप्रेसर का पर्पस होता है एयर को कंप्रेस करके रखना और जब नीड है तब उसको प्रोवाइड करना, फिल्टर, कोई भी न्यूमेटिक इंस्ट्रूमेंट विदाउट FRL यूनिट काम नहीं करता। FRL यूनिट में 3 चीजें होती है, फिल्टर, रेगुलेटर एंड ल्यूब्रिकेटर। फिल्टर का काम होता है एयर को फिल्टर करना, ल्यूब्रिकेटर का काम होता है एयर के साथ में फाइन ऑयल पार्टिकल्स को भेजना, क्योंकि हवा में मॉइस्चर होता है जिसकी वजह से रस्ट वगैरह हो सकता है उसको रिमूव करने के लिए, और रेगुलेटर का काम होता है प्रेशर को कंट्रोल करना। टैंक का काम है दोस्तों हवा जो कॉम्प्रेस्ड एयर है उसको स्टोर करके रखना। ओरिफिस जो अभी हम लोगों ने बात की है कि ओरिफिस क्या काम करता है, प्रेशर डिफरेंस को क्रिएट करने का। मैनोमीटर से हम लोग प्रेशर चेक करते हैं डेल्टा एच, और गेजिंग हेड जो सबसे लास्ट में कनेक्ट होता है एज पर डायमेंशन वो चेंजेस करना पड़ता है। वर्किंग ऑफ न्यूमेटिक कंपैरेटर आप लोगों ने अभी पढ़े। आगे है एडवांटेजेस, एडवांटेज में क्या क्या देखिए, इट इज अ चीपर सिंपल टू ऑपरेट एंड कॉस्ट इज लो, सस्ता होता है, आसान होता है और उसका कॉस्ट भी कम है। फ्री फॉर्म मैकेनिकल हिस्टेरेसिस एंड वियर, वियर नहीं होता और हिस्टेरेसिस ये जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है दोस्तों जिसमें क्या होता है कि जब हम लोग रीडिंग लेते हैं तो रीडिंग जैसा आना चाहिए उसको छोड़ के डिफरेंट टाइप का आता है।
द मैग्निफिकेशन कैन बी ऑब्टेन एज हाई एज 10,000 x। मतलब ये 1 mm को अगर हमको दिखाना है 1 माइक्रोन को, तो वो 10 mm तक उसको बढ़ा करके दिखा सकता है। द गेजिंग मेंबर इज नॉट इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द वर्क। गेजिंग जो मेंबर्स है उनका कॉन्टैक्ट होता नहीं होता है वर्क के साथ। इंडिकेट एंड मेजरिंग इज डन एट टू डिफरेंट, मतलब काम एक जगह करता है और इंडिकेशन। टेपर एंड वैलिडिटी कैन बी इजिली डिटेक्टेड। टेपर सरफेस और वेल सरफेस भी इससे हम लोग आसानी से चेक कर सकते हैं। डिसएडवांटेज में है, देखिए डिफरेंट गेजिंग हेड्स आर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट डायमेंशंस। गेजिंग हेड हर डायमेंशन के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। द स्केल इज जनरली नॉट यूनिफॉर्म, इसका स्केल यूनिफॉर्म नहीं होता। डेल्टा एच में निकालने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है। दे आर वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी चेंजेस। ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर चेंज होगा तो उसमें चेंजेस। एप्लीकेशन में देखिए, न्यूमेटिक कंपैरेटर कैन बी अप्लाइड टू इंटरनल एक्सटर्नल डायमेंशन मेजरमेंट, थिकनेस मेजरमेंट। इसको इंटरनल एक्सटर्नल डायमेंशन डायमीटर को मेजर करने के लिए या थिकनेस मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। दे कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू चेक द कॉन्सेंट्रिसिटी ऑफ एंगुलर पार्ट, डेप्थ ऑफ ब्लाइंड होल, पैरेललिज्म, फ्लैटनेस, होल सेंटर्स, डिस्टेंस एक्सेट्रा। इसमें हमको एक फिगर है, ये दिखाएंगे आपको ये कैसे चेक करता है। तो देखिए ये मल्टी डायमीटर चेक करना है हमको, तो ये गेजिंग हेड यूज किया है। टेपर्स के लिए ये गेजिंग हेड यूज किया है। बोर स्ट्रेटनेस के लिए ये गेजिंग हेड यूज किया है। ये इस टाइप से क्वेयरनेस, ओवलिटी, एवरेज डायमीटर, इन सब के लिए अलग अलग डायग्राम्स है जो कि हम लोग विद द हेल्प ऑफ न्यूमेटिक कंपैरेटर चेक करते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन बैंक है, असाइनमेंट्स है जो आपको सॉल्व करना है। प्रोग्राम आउटकम जैसे हम लोगों ने पहले बोला था कि PO1, PO2, PO3, PO4, PO8, 9, 10 और PO2, 3 सेटिस्फाइड हुए हैं इससे। तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल कंपैरेटर। थैंक यू।